दिस टू लास्ट लास्ट टू गाइस यू कैन सेल्स सी माय कंडीशन, पूरे में पसारा फैला हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो एज आई प्रॉमिस यू, आफ्टर पीजी रूम टूर आई एम गोइंग टू अपलोड पीजी रूम सेटिंग अप वीडियो, काइंड ऑफ वीडियो। सो हियर इट इज। आई नो गाइज, वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लाइक आपको बैक टू बैक वीडियोज नहीं मिल पा रही है, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली ही एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन करा है और मुझे टाइम मैनेजमेंट में हो रही है प्रॉब्लम, बिकॉज सिटी भी नहीं है और कॉलेज भी 8:30 to 6:10 कभी कभी लास्ट क्लासेस जाते आते आते 7, 7:30 कब होते हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सो इट्स हार्डली टेक 1 or 2 week, देन मैं समहाउ कैसे भी करके टाइम मैनेज कर लूंगी और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो या, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो यू आर गोइंग टू सी लाइक BTS ऑफ दैट वीडियो, लाइक पीजी रूम टूर वाला वीडियो। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हाय गाइस, टुडे इज़ द डे वन ऑफ रूम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड अभी टाइम हो रहा है 8:30 AM। आई डोंट नो व्हाई आज मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई, लाइक 4 AM मुझे भी पता नहीं चला, नींद खुल गई तो मैंने सोचा कि चलो उठ जाते हैं। देन मैंने अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है वो सारी चीज़ें कर ली एंड अभी मुझे नींद आ रही थी दोबारा, तो अभी मुझे सोना 8:30 में तो लग रहा था कि मैं अपना पूरा दिन ही ख़राब करूँगी। दैट्स व्हाई आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट स्टार्ट दी रूम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, फर्स्टली वी गोना डू पोर्शन लाइक दिस स्मॉल सेक्टर ऑफ द कबर्ड, बिकॉज ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं तो जल्दी हो जाएंगे। ऑलवेज सेट अ स्मॉल गोल्स, क्योंकि वो करने में ईजी होता है, फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा ये वाला कबर्ड करने के लिए। एंड ये वाला कबर्ड तो टेम्प्रेली ऑर्गेनाइज है, बट आई डोंट नो कि चीज़ें कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, बस कपड़े रखे हुए हैं। दैट्स वाई वी ऑल्सो हैव टू ऑर्गेनाइज दिस प्रॉपरली। सो लेट्स बिगिन। सो लेट स्टार्ट विद दीज टू रैक्स। तो मैंने सोचा है कि इसमें मैं अपने सारे शूज सैंडल्स जितने भी होते हैं, अगर इसमें ही हो जाता है तो मैं इसमें ही रख दूंगी, अगर इसकी भी जरूरत पड़ती है देन इसमें भी रख दूंगी। सो लेट्स डू इट। सो गाइज, फाइनली ये वाला तो ऑर्गेनाइज हो गया, इसमें ही हमारे सारे शूज सैंडल सब कुछ आ गए। ओके वेट, वी हैव वन मोर फ्लैट, तो इसको हम यहाँ पे ही साइड में डाल देंगे, बिकॉज यहाँ तो जगह बाकी है नहीं, तो इसको हम यहीं पे डाल देते हैं, वैसे भी अनयूज है, उसको यहाँ साइड में डाल देते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी हमारे पास हैंड बैग्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा पाउचेज हैं, जो भी है वो इस वाले शेल्फ में ऑर्गेनाइज करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, नीचे के दोनों शेल्फ हो गए, ये वाला शेल्फ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, तो यहाँ पे जितने भी टॉवल हैं वो सारे टॉवल्स, सॉक्स और हैंकीज। हाय गाइस, टुडे इज डे 2 और अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं एंड मैंने दोबारा हिम्मत जुटा ली है कि मैं अपना रूम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकूँ। तो आज हम अपना ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइज करेंगे। वेट, फर्स्टली आई हैव टू शो द मेस। यू कैन क्लियरली सी कि अभी रूम की क्या हालत हो रखी है, पूरा बेड फैल रखा है। सो एनी हाउ आज मुझे ये सारा अरेंज करना होगा, क्योंकि मैं रात में सोऊंगी कहाँ, सारी चीज़ें टाइम पे असेंबल करनी होगी, बिकॉज मुझे सुबह जल्दी उठ के कॉलेज भी जाना है, रात में डिनर भी बनाना है। सो टेंशन कम लेते हैं, पहले फिगर आउट करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें असेंबल करनी है, कहाँ क्या चीज़ें रखनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कैमरा सेटअप करती हूँ कि आप भी ये सारी चीज़ें देख सकें। सो या, गाइस फाइनली ड्रेसिंग एरिया कंप्लीट हो गया। इसे कंप्लीट करते करते मुझे 8 बज गए हैं एंड यू कैन क्लियरली सी द कंडीशन, कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी। सो अब मैं जल्दी से जाके कुछ डिनर का देखूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी, बिकॉज कल सुबह मुझे जल्दी उठ के कॉलेज जाना है। एंड सो या गाइस, मैंने अपना पूरा मेस क्लीन कर लिया है। हाय गाइस, टुडे इज़ डे 3 एंड मैं आज कॉलेज से 6:30 के अराउंड आई और अभी 8:15 हो रहा है।
बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए चीज़ें करने के लिए, बट स्टिल आई हैव टू कम्प्लीट दी रूम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. सो इन डे टू यू ऑलरेडी सीन कि मैंने ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइज करा था. लेट मी शो यू. तो ड्रेसिंग एरिया तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया है. आज हम ऑर्गेनाइज करेंगे ये वाला कबर्ड. सो गाइज, दिस कबर्ड इज ऑल अबाउट किचन स्टाफ, बिकॉज मैं किचन कॉमन शेयर कर रही हूँ, तो जितने भी कॉमन यूटेंसिल्स हैं वो तो किचन में ही रहेंगे, बट जो भी मेरी पर्सनल चीज़ें हैं वो पर्सनल यूटेंसिल्स हैं, पर्सनल ये सारी चीज़ें हैं, चावल आटा वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें मैं इस कबर्ड में ऑर्गेनाइज करूँगी. सो ये टेम्परेली तो ऑर्गेनाइज है, बट आई हैव टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कि मुझे पता चल जाए क्या चीज़ें कहाँ रखी हैं, कैसी रखी है. सो या टुडे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस कबर्ड. सो गाइज, फाइनली ये वाला कवर ऑर्गेनाइज हो गया है. यू कैन सी, तो ऊपर मैंने डाला है मेडिसिंस, कॉप सिरप ये सब है, जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सामान थे, और केटल. सेकेंड वाले में मैंने चीनी, नमक ये सारी चीज़ें डाली है, तेल वगैरह हो गया. साइड में आलू प्याज है. थर्ड शेल्फ में मैंने सारे बर्तन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लेट कटोरी चम्मच ये वो. एंड नीचे मैंने यहाँ पे डाला है सारे, लाइक बॉडी वॉश हो गया, वॉशिंग वाला चीज़ें लाइक बॉडी वॉश हो गया, इजी हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी है. और यहाँ पे मैंने अपना सारा एक्स्ट्रा राशन ऑर्गेनाइज करा है. सो या दैट्स इट. सो आज मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला भी कंप्लीट कर देती हूँ, ये वाला भी कबर्ड ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, जो मेरा एटलीस्ट ये एरिया फिनिश हो जाएगा. सो लेट्स डू इट. तो फाइनली गाइस, मैंने अपने इस एरिया को भी ऑर्गेनाइज कर लिया है. यहाँ पे मैंने भगवान जी को रखा है, सरस्वती माँ की प्यारी सी फोटो है, एंड ये छोटू से गणेश जी. एंड यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल रखा है, पेन स्टैंड हो गया, रूम के लॉक एंड की. एंड यहाँ पे मैंने अपनी सारी कॉपीज वगैरह सब ऑर्गेनाइज करी है. अभी मुझे बुक्स भी लानी है, जब बुक्स आ जाएगी तब ये एरिया भी भर जाएगा. तो यहाँ सारी मैं अपनी बुक्स रखूँगी, और नीचे यहाँ पे मिसलेनियस थिंग्स है, लाइक डॉक्यूमेंट्स ऑक्यूमेंट्स है, और रेस्ट ऑफ जो एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें. अब गाइस, मेरे रूम का लास्ट एरिया बाकी है वो है ये वाला एरिया. इस एरिया को मुझे ऑर्गेनाइज करना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप का करूँगी, इसको थोड़ा सा एस्थेटिक सा कॉर्नर बनाऊँगी. इसलिए अभी एक दिन और काम बाकी है. एंड देन मैंने सोचा है यहाँ ड्रेसिंग एरिया पे भी लाइट्स डालूँ तो और ब्यूटीफुल लगेगा. तो ये काम बाकी है, तो मतलब अब एक दिन और चाहिए रूम को कंप्लीट होने के लिए. टूर देख चुके होंगे पीजी रूम टूर वाले वीडियो पे, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन गो एंड चेक आउट दिस वीडियो, देन आपको फुल लुक ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये कैसा लग रहा है. सो या गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन वॉट यू हैव टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड वन मोर थिंग गाइज, गिव मी योर फीडबैक ऑल्सो, लाइक वॉट यू आर लाइकिंग इन द वीडियो, वॉट यू आर नॉट लाइकिंग इन द वीडियो, एनीथिंग यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय.